ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका किस्मत आपकी में, और हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य और वास्तु विशेषज्ञ पंडित मुकेश शास्त्री जी। और गुरु जी से हम जानने वाले हैं कि वास्तु के हिसाब से उत्तर दिशा का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आपकी सुविधा के लिए हमारी टेलीफोन सेवा शुरू कर दी गई है। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 1-8-6-1-4-2-4-4-5-5-1-3। गुरु जी, अक्सर कहा जाता है कि उत्तर दिशा में कुबेर का खजाना गड़ा होता है, तो क्या वाकई उत्तर दिशा में इतनी समृद्धि होती है? उत्तर दिशा घर की दो प्रमुख दिशाओं पूरब और उत्तर दिशा में सबसे ज़्यादा प्रधानता रखने वाली दिशा है। माँ लक्ष्मी और कुबेर का स्थान बताया गया है। उत्तर दिशा के अंदर आज के युग में धन की क्या महत्वता है ये आप सभी जानते हैं। तो उत्तर दिशा को जितना खुला रखेंगे, उत्तर दिशा जितनी शुभ होगी, उत्तर दिशा जितनी साफ और सुथरी होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। उत्तर दिशा का नीचा होना, ढाल युक्त होना माँ लक्ष्मी के प्रवेश के लिए सबसे शुभ माना जाता है। अगर आपके घर का उत्तर साफ सुथरा ढाल युक्त है तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। घर की अगर उत्तर दिशा बाधित है तो उत्तर दिशा आपके घर की तरक्की को रोक देती है। आपने जो निर्माण कर दिया है अब उसे हटाया तो नहीं जा सकता है। बिना तोड़फोड़ के उत्तर दिशा के दोषों को कैसे दूर किया जाए यह मैं आपको बताऊंगा, पर पहले हम बात करेंगे उत्तर दिशा में क्या हो और क्या ना हो। जी गुरु जी, बिल्कुल, जब हमें उत्तर दिशा से इतना कुछ मिल ही रहा है तो बता दीजिए कि उत्तर दिशा में वास्तु के हिसाब से क्या क्या होना चाहिए। आपके घर की उत्तर दिशा को ज्यादा से ज्यादा खुला रखें, आपके घर की उत्तर दिशा साफ सुथरी रखें, शुद्ध रखें। इस स्थान को सदैव साफ सुथरा रखेंगे तो यह स्थान ज्यादा से ज्यादा जागृत होगा, और जितना जागृत यह स्थान होगा माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जिस प्लाट की उत्तर दिशा थोड़ी सी झुकी हुई हो, थोड़ा सा उसमें स्लोप हो, वहाँ माँ लक्ष्मी का आगमन बहुत जल्दी होता है। घर में अधिक से अधिक तरक्की आती है, बरकत आती है। उत्तर दिशा में आप बच्चों के पढ़ने का कमरा बना सकते हैं, उत्तर दिशा के अंदर आप पूजा घर बना सकते हैं। उत्तर दिशा जल प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पे आप बोरिंग बना सकते हैं, कुआं बना सकते हैं, जलाशय बना सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना सकते हैं। यह स्थान प्रवेश द्वार के लिए सबसे शुभ माना गया है। जिन प्लाटों की फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन आती है उनकी कीमत अपने आप स्वतः ही उनकी कीमत बढ़ जाती है। अपने स्वयं के लिए साधना कक्ष, मेडिटेशन रूम उत्तर दिशा में बना सकते हैं। उत्तर दिशा को कभी भी बाधित ना करें। गुरुजी, अब हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि उत्तर दिशा में क्या क्या नहीं होना चाहिए। उत्तर दिशा में विशेष तौर पे शौचालय नहीं होना चाहिए। उत्तर दिशा में अग्नि का स्थान नहीं होना चाहिए। इस स्थान को कभी भी अशुद्ध और गंदा ना करें। इस स्थान पर आप स्टोर रूम ना बनाएं, उसको भारी ना करें। उत्तर दिशा में घर के वरिष्ठ सदस्यों का कमरा नहीं होना चाहिए। उत्तर दिशा में कोई दोष हो तो उसे कैसे दूर करें? उत्तर दिशा का स्वामी है बुध, भगवान गणेश जी महाराज उत्तर दिशा के स्वामी हैं। अगर आपके घर में उत्तर दिशा से संबंधित कोई भी दोष है तो आप नित्य गाय की सेवा करें, गणेश जी भगवान की सेवा करें, गौशाला जाकर गाय के भोजन की व्यवस्था करवाएं। उत्तर दिशा के अंदर आप जलाशय बना सकते हैं, वहां पर अगर आप कमल का पौधा उगाते हैं, अगर कमल का प्लांट वहां रखते हैं, कमल माँ लक्ष्मी का पद्मासन कहलाता है। जहां माँ लक्ष्मी का पद्मासन हो माँ लक्ष्मी स्वतः ही वहां पे चली आती है, इसलिए कमल का प्लांट लगाना उत्तर दिशा में अति शुभ माना गया है। अगर आपके पास में खुला स्थान नहीं है तो छोटे छोटे गमलों में वहां पे जल भर के रखा जा सकता है। लाल पुष्प आप वहां पे लगाएं, गुलाबी पुष्प आप लगा सकते हैं, हरे पुष्प, हरे पत्ते वाले पेड़ वहां पे अगर आप लगाते हैं तो उत्तर दिशा से संबंधित सारे दोष दूर हो जाते हैं। आपके घर में दरिद्रता, कलह कलेश का जो वातावरण बना रहता है वो खत्म हो जाता है। उत्तर दिशा के अंदर आप हमेशा 5 अगरबत्ती अगर रोज लगाएं तो माँ लक्ष्मी आपके घर से कभी भी रूठ के नहीं जाती है। आइए जानते हैं आज का वास्तु का विशेष उपाय। तो पंडित जी बताएं क्या है आज का वास्तु का विशेष उपाय। अगर आपके घर में पैसों की समस्या है तो इसका कारण आपके घर में वास्तु दोष भी हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पैसों की समस्या को किस तरीके से दूर किया जाए, बगैर तोड़फोड़ किए आपके घर के वास्तु दोष को कैसे दूर किया जाए। घर की सफाई रोज करें, आपके घर का जितना फालतू सामान है प्रत्येक अमावस्या को उसको बेच दें। घर के मंदिर में 5 अगरबत्ती लगाएं, जाले रोज साफ करें। गुरुवार के दिन जाले साफ ना करें और गुरुवार के दिन
पोछा ना लगाएं, आपके धन से संबंधित जितनी समस्या है वह स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। तो ये तो था वास्तु का उपाय, अब बता दीजिए आज का पावर मंत्र जिसका लाभ कोई भी व्यक्ति ले सकता हो। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो इस मंत्र का आप जाप करते हुए जाएं, आपको सफलता मिलेगी। मंत्र इस प्रकार है, ज्ञानी नाम अपिचेतामसी देवी भगवती ही सा बालादा कश्य मोहाय मोह माया पृच्छति। इस मंत्र का अगर जाप करते हुए आप किसी भी मीटिंग को अटेंड करते हैं या आप किसी इंटरव्यू के अंदर जाते हैं तो आपको सफलता मिलनी निश्चित है। जी गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें इतनी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं आज का एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। हमारे विशेष उपाय और पावर मंत्र सबके लिए हैं, यानी इनका लाभ कोई भी व्यक्ति ले सकता है। किस्मत आपकी में आपके ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी हर समस्या का समाधान आप जान सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स हैं 1-8-6-1-4-2-4-4-5-5-1-3। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है etvkismatapki@gmail.com। आप चाहें तो हमें लेटर भी लिख सकते हैं, हमारा एड्रेस है किस्मत आपकी, ETV राजस्थान, 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। तो अगले एपिसोड तक के लिए दीजिए इजाजत, तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।